नमस्कार, वीकली एग्री कॉन कॉल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात करें तो एग्री कमोडिटी में काफी हलचल रही है, चाहे हम स्पाइसेस की बात करें चाहे गवार की बात करें। ओवरऑल अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे मसालों के अंदर हमने हल्दी के अंदर करीबन 7% की तेजी आती हुई देखी। जीरे के अंदर हमने फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट को मूव करते हुए देखा, जबकि धनिया 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। हमने पहले ही क्लियर किया था कि जीरा और धनिया तो 2022 के अंदर सबसे तेज और सबसे अच्छी कमोडिटी निकल के आएगी। हल्दी में हमें ऐसा नहीं लग रहा था, बिकॉज कैरियर स्टॉक काफी ज्यादा था। बट पिछले 10-12 दिन के अंदर हमने देखा, जिस ढंग से अनसीजनल रेन और फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से हल्दी के अंदर काफी डैमेजेस रिपोर्ट की गई है, जो एक मुख्य कारण रहा फ्रेश बाइंग के लिए। और जिसके तहत हमने देखा प्राइजेस पिछले हफ्ते के अंदर 8880 का लो दिखाकर ऑलमोस्ट 9600 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो करीबन 6.5-7% की तेजी थी। धीरे धीरे 2022 के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जिसके चलते हमें लगता है हल्दी भी कंटिन्यू तेजी में रह सकती है। बट ध्यान रखिए, जनवरी में जब नई क्रॉप मार्केट में आना चालू होगा तो एक्चुअल क्लैरिटी पता चलेगी कि कैरियो स्टॉक कितना है और इस बार का प्रोडक्शन कितना है। बट टेक्निकली जिस ढंग से 9200 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो प्राइजेस को 10.5 से 11 हजार का भी लेवल अगले 2 महीने में दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए, क्रॉप साइज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं जीरे और धनिया के अंदर हमारी उम्मीद थी कि जो स्विंग में ड्रॉप के चलते एक अच्छी खासी रैली मिली थी, उसके बाद प्राइजेस कंसोलिडेट करने चाहिए थे, प्राइजेस में गिरावट आना चाहिए था। इनफैक्ट धनिया में तो हमने 8375 तक का लो लगते हुए भी देखा है। बट कहीं ना कहीं कल के सेशन की जो तेजी थी वो काफी इंपॉर्टेंट रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ 2.5% की तेजी दिखा रहा है। जीरे की अगर बात करें तो जीरे में भी हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस साइडवे रहने की उम्मीद थी, जो 15,500 तक का लेवल दिखा सकता था। ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक मिले लेके चलिए। जनवरी फरवरी मंथ में पूरे मसाले में अच्छी तेजी रही है, अगले हफ्ते के लिए भी हल्दी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो 9200-9300 तक के पुल बैक पे हम फिर से बाइंग कर सकते हैं। जीरे के अंदर भी 16300 के ऊपर क्लोजिंग बेस पे एक अच्छी तेजी है, अदरवाइज 15800 तक का एक पुल बैक जरूरी है। धनिया 8850 की क्लोजिंग के ऊपर ही तेजी है, अदरवाइज वापस 8400 तक का पुलबैक दिखा सकता है। गवार सीड गवार गम में हमने काफी अच्छी गिरावट के बाद रिकवरी भी देखी है, बट अभी भी गवार की बात करें तो 6200 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, ना ही गवार गम 10850 के ऊपर क्लोज कर पा रही। तो अनलेस एंड अंटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करते हैं, ट्रेंड सेल ऑन जम का ही रहेगा। मेंथा ऑयल में पहली बार हमने 1000 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा विंटर डिमांड, लेकिन कुछ कैश क्रंचर्स और टैक्सेशन को लेकर मार्केट सुस्त है। बट टेक्निकली 1000 के ऊपर की क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है, जो हमें लगता है 1020 तक का लेवल अगले हफ्ते में दिखा देंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो जिस उम्मीद से हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के दोनों में ही तेजी का रुख कायम है। हमें लगता है कि कॉटन 38,000 ओवरऑल दिखा सकता है अगले हफ्ते में पुल बैक पे लेके चलिए 34,800 के टारगेट के लिए, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में 100-125 पॉइंट की अगर गिरावट मिले तो नई एंट्री करनी चाहिए, जो 3180 से 3200 तक का लेवल दिखा सकता है। और अंत में कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में सेल ऑन रैली करके चलिए 5700 के टारगेट के लिए, क्योंकि नई क्रॉप अब जल्द आने वाली है और प्राइजेस के अंदर फॉल है, डिमांड में काफी ड्रॉप है। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है अगले हफ्ते, खास करके मसालों में और कॉटन सीड ऑयल केक के। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।